सो व्हाट्सअप गाइस, अभी आप लोग साइड में जिस वाली फोटो को देख रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर, आपका भाई इसी टाइप की ऑयल पेंट की सीवी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है, जो कि पूरे यूट्यूब पे आज तक आपको किसी ने नहीं इतना सिंपल तरीके से बताया होगा। आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला है। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की ना ऑयल पेंट की सीवी फोटो एडिटिंग कर लेगा, क्योंकि आपका भाई बहुत ही जेन्युइन जानकारी देता है। और जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप अपनी स्किन को फुल HD स्मूथ करेंगे, बैकग्राउंड को फुल HD ब्लर करेंगे, एवरीथिंग जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो व्हाट्सअप गाइज, उस टाइप की ऑयल पेंट की फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप को ओपन करना होगा, और कर लेने के बाद सिंपल से प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। और गाइज हम लोग का फोटो तो ओपन हो चुका है और इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं। और वीडियो के शुरू में ही आपका भाई एक बात बता दे कि अगर आप इस वाली वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर देते हैं ना, तो आप उस टाइप की ऑयल पेंट की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है और आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड में पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, और पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे क्लिक कर लेंगे, और ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में 8% कर लीजिएगा। और ऐसे आप नीचे आइएगा ना, तो नीचे आपको एक अम्बाइंस का ऑप्शन मिलेगा। तो अम्बाइंस की वैल्यू को आप लोग ऐसे इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में ना आप 50% कर लीजिएगा, और नीचे आके इसके यहाँ पे ना शेडो को भी आप लोग ऐसे बढ़ा लीजिएगा और बढ़ा के इसे 37% कर लीजिएगा। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग आप लोग को कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा। और राइट आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो आफ्टर बिफोर आप अपनी फोटो को देख ही सकते हैं कि हम लोग का फोटो किस टाइप से देखने को मिल रहा है अभी। तो अभी तो गाइस ये तो हम लोग का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोग इसी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट टू के आइकन पे क्लिक कर देंगे। और सिलेक्ट टू के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो सिलेक्ट टू को कैसे यूज किया जाता है काफी भाई यही नहीं जानते हैं, लेकिन आपका भाई अच्छे तरीके से बता रहा है, तो इसे आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसे सिलेक्ट करना होगा जहां पे आपका स्किन डार्क है ना, वहां पे ऐसे सिलेक्ट करके दोनों फिंगर से इसे छोटा करना होगा, और यहां से इसकी ब्राइटनेस की वैल्यू आपको इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करके आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा लीजिएगा। मैं यहां पे 72% कर लेता हूं। नीचे आके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू आप लोगों को ऐसे कम करके -12 कर देना होगा। नीचे साइड में प्लस के आइकन पे अगेन टैप करके आपका स्किन आप जहां पे भी अगेन डार्क है ना, वहां पे ऐसे सिलेक्ट करके यहां पर भी ऐसे ब्राइटनेस को आप बढ़ा लीजिएगा, और नीचे आके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू आप लोग थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, और ऐसे प्लस के आइकन पे टैप करके जहां जहां पे आपका स्किन लग रहा है डार्क है, वहां पे सेम यही प्रोसेस आप कर लीजिएगा। मैं भी यहां पे फटाफट से कर लेता हूं, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि शैलेश भाई तूने तो जानकारी प्रॉपर दी ही नहीं। तो मैंने ये सारी चीजें कर ली है, और सिंपल से मैं यहां से राइट क्लिक कर लूंगा, और राइट क्लिक करते ही हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से गाइस हम लोग का इतना काम तो हो चुका है। तो क्या करेंगे, सिंपल से पेंसिल के आइकन पे अगेन क्लिक करेंगे, और क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहां पे डिटेल्स के आइकन पे क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद इसकी टेक्सचर की वैल्यू आप ऐसे इंक्रीज कर लीजिएगा। मैं यहां पे इंक्रीज करके 15% कर लेता हूं, और ऐसे नीचे इसकी शार्पनिंग की वैल्यू भी इंक्रीज करके 5% करके, और मैं राइट क्लिक कर लूंगा। और राइट क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो तो गाइस कुछ इस टाइप से देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन गाइस अभी आप लोगों को इसमें एक काम और करना है। क्या है काम, चलिए आपका भाई बताता है। सिंपल से आप लोगों को पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे अगेन क्लिक करना होगा। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस की वैल्यू मैं इंक्रीज करके यहाँ से 20% कर देता हूँ, और कर लेने के बाद मैं राइट क्लिक कर लूंगा, जिससे हम लोग की पूरी फोटो में लाइट अच्छे तरीके से आ जाएगी। मैं आफ्टर बिफोर आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम लोग का फोटो कैसा था पहले, अब कैसा हो चुका है। तो इतना सारा काम कर लेने के बाद सिंपल से मैं आप लोगों को क्या करूंगा ना, पेंसिल के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और कर लेने के बाद आपको ऐसे नीचे आना होगा, टोनल कंट्रास्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जिससे हम लोगों की फोटो के अंदर ना एक अच्छी सी कंट्रास्ट आ जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या सेटिंग रखना है, इसे आप अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर देते हैं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को ऐसे नीचे आना होगा, और इसकी मिड टोन की वैल्यू को आपको पूरा 0 करके और राइट क्लिक कर लेना होगा, और अगेन गाइस आपको पेंसिल के आइकन पे ही क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद ऐसे आप पूरा नीचे आइएगा, और आने के बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट के आइकन पे क्लिक कर लेना होगा। और पोर्ट्रेट के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे स्मूथ टू जो है सिलेक्ट कर लेना होगा, और कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे
कुछ भी सेटिंग को करना नहीं है, आपको सिंपल से यहाँ से नीचे साइड में राइट क्लिक कर देना है। और राइट आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो आपकी पूरी फोटो गाइज कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज जो भी काम था हम लोग का खत्म हो चुका है, लेकिन गाइज अभी हम लोग का दो काम बाकी है स्नैपशीट में। क्या क्या है आपका भाई बताता है। सबसे पहले हम लोग अपने बैकग्राउंड को ना फुल HD ब्लर करने वाले हैं, और दूसरे स्टेप में हम इसमें ना बोके इफेक्ट को ऐड करेंगे, और एक ही फोटो को आप कई कलर में कैसे एडिट करेंगे ये भी आपका भाई बताने वाला है, और फेस को कैसे फुल HD स्मूथ करेंगे ये भी बताएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल के आइकन पे गए जहाँ पे क्लिक करेंगे, और कर लेने के बाद सिंपल से आपको ऐसे ऊपर आना होगा, और आने के बाद यहाँ पे हीलिंग के आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। देन दोस्तों हीलिंग के आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर लेने के बाद ऐसे अपनो ऐसे पेंट कर दीजिएगा, अपने पूरे बॉडी को ऐसे पेंट करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे गाइज मैं एक ही बार में कर लिया हूँ इसीलिए सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ऐसे आप अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा पेंट करके ऐसे छोड़ देंगे, तो यहाँ से आपका बॉडी जो है ना ये अच्छे तरीके से रिमूव कर देगा। अगर नहीं करता है तो बार बार ये आप प्रोसेस कर लीजिएगा, और आपका ये बॉडी यहाँ से रिमूव कर देगा। सो गाइज ऐसे आपको हटा लेने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक करना होगा, और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, और होने के बाद आपका ना बैकग्राउंड बचेगा केवल यहाँ पे। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद ऐसे आपको पूरा नीचे आके यहाँ पे लेंस ब्लर के आइकन पे क्लिक करना होगा, और लेंस ब्लर के आइकन पे क्लिक करके अपने फिंगर से पकड़ के इसे कोने में कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद इसकी ब्लर स्ट्रेंथ की वैल्यू को आपको ऐसे इंक्रीज करके यहाँ से आप 70-80 के बीच में रखिएगा, मैं यहाँ पे 76 कर लेता हूँ। और कर लेने के बाद मैं सिंपल राइट क्लिक कर लूंगा, और ऊपर साइड में ना मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, केवल यहाँ पे आपको छोड़ देना होगा। आपको सिंपल से यहाँ पे छोटी सी टिप्स को क्या यूज करना होगा, डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके इस वाली फोटो को यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे, और आप जैसे ही शेयर कीजिएगा ना तो ये जो फोटो है ना ये आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। इसका क्या यूज होने वाला है आगे आपको पता चल जाएगा, तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज ऐसे आपका फोटो तो सेव हो जाएगा। तो सिंपल से आप लोगों को स्क्रीन पे ऐसे टैप करके हटा लेना होगा, और सिंपल से आप लोगों को ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करना होगा, व्यू एडिट के आइकन, और व्यू एडिट के आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद हीलिंग के नीचे आपको पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें हम लोग चले आएंगे, और आने के बाद यहाँ से आपको बैक आना होगा, और बैक आने के बाद पेंसिल के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, डबल एक्सपोजर के आइकन, प्लस के आइकन पे टैप करके जिस भी बैकग्राउंड को अभी हम लोगों ने शेयर किया है ना उसे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑपेसिटी के आइकन पे क्लिक करके ऑपेसिटी को 100 करके और राइट क्लिक कर लीजिएगा, और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन, और यहाँ पे ना डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को ले लीजिएगा, और साइज यहाँ से आपका 100 मिल जाएगा। फोटो को ऐसे आपको जूम करना होगा, और जूम कर लेने के बाद आपको अपनी बॉडी के साइड साइड ने ऐसे आपको ड्रॉ कर देना होगा, और जैसे ही आप इसे ड्रॉ कीजिएगा ना तो आपकी पूरी फोटो ना फुल HD में ब्लर हो जाएगी, और आपकी फोटो की क्वालिटी थोड़ा सा भी लॉस नहीं होगा। तो मैं ये प्रोसेस फटाफट से कर लेता हूं, फिर आगे का प्रोसेस में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप एक ही फोटो को कई कलर में एडिट करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, फेस को भी स्मूथ करना मैं बताने वाला हूं, कंप्लीट वीडियो ये होने वाली है। सो गाइज ऐसे आपको अपने पूरे बैकग्राउंड पे ड्रॉ कर लेने के बाद सिंपल से आपको लोगों को राइट क्लिक करके और यहाँ से बैक आना होगा, और बैक आने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से आप लोगों को पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा, डबल एक्सपोजर के आइकन, प्लस के आइकन पे टैप करके, और एक बोके PNG को हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे, और लेने के बाद इसे आप कुछ इस टाइप से बड़ा कर लीजिएगा, और कर लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से आप एडजस्ट करके बीच वाले पे क्लिक करके लाइटन करके और राइट क्लिक कर लीजिएगा। ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करना होगा, व्यू एडिट के आइकन, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को ले लेंगे, साइज यहाँ से 100 मिल जाएगा, और जहां जहां पे आपका बोके PNG है वहां पे ऐसे आप ब्रश को चला लीजिएगा, और चलाने के बाद आपको राइट क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाना होगा, और बैक आते ही आपकी कंप्लीट फोटो एडिटिंग यहाँ पे हो जाएगी जो भी स्नैपशीट में काम था। और गाइस कैसे आपको अपनी एक ही फोटो को कई कलर में एडिट करना आगे आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो उससे पहले आपको डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके इस वाली फोटो को यहाँ से शेयर कर देना होगा अपनी लाइटरूम ऐप में। तो यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग हो रहा है तो हो जाने दीजिए। तो हो गया, मैं यहाँ पे लाइटरूम के अंदर अपनी फोटो को शेयर कर लेता हूँ, और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ।
सो गाइस जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी इस वाली प्रीसेट को मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजीली जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्रीसेट को लेने के बाद इसके थ्री डॉट के आइकन पे क्लिक करके ऐसे नीचे आएंगे, कॉपी सेटिंग करके आप यहाँ से ऊपर साइड में राइट क्लिक कर लीजिएगा और अपनी इस वाली फोटो को मैं लूंगा और लेने के बाद इसके बाद थ्री डॉट के आइकन पे क्लिक करके नीचे साइड में पेज से सेटिंग कर दूंगा। और करते ही आपकी पूरी फोटो ना वन क्लिक में आप देखिएगा मैजिक, यहाँ पे वन क्लिक में आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो काफी ऑसम सी हम लोग की फोटो तो गाइज हो चुकी है। और काफी भाई बोलते हैं ना कि भाई प्रीसेट काम ही नहीं कर रहा, तो प्रीसेट आप अच्छे तरीके से डाउनलोड ही नहीं कर पाते हैं, तो आप वेबसाइट पे जाके नीचे साइड में आपको डाउनलोड वाला बटन मिलेगा, वहां से अगर आप करेंगे ना तो 110% प्रीसेट आपका वर्क करेगा। तो इसके बाद आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिंपल से ना शेयर के आइकन पे इस वाली फोटो को क्लिक करना होगा, यहाँ से इस वाली फोटो को हम लोग शेयर कर देंगे। तो शेयर हो जाने दीजिए कि आपको किस ऐप में इस वाली फोटो को शेयर करना होगा। फेस को हम लोग फुल HD स्मूथ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल से ऐसे स्क्रॉल करूंगा और कर लेने के बाद मैं यहाँ पे स्केच बुक में इस फोटो को शेयर कर लेता हूँ। तो लीजिए गाइज हम लोग का फोटो स्केच बुक में तो शेयर हो चुका है। मैं फोटो को ऐसे रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। और सिंपल से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और कर लेने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और आने के बाद स्मर्ज में आपको इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पे स्मर्ज में लास्ट से तीसरे नंबर वाले ब्रश को मैंने बताया है। और इसकी सेटिंग पे जाके आप सेटिंग को स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिएगा, आपको सेम यही सेटिंग रखना होगा। और नीचे साइड में मैं क्रॉस क्लिक कर देता हूँ और फोटो को ऐसे मैं जूम कर लेता हूं। और फोटो को मैं जूम कर लेने के बाद ना यहां पे साइड में एक डॉट जैसा आपको मिलेगा, तो डॉट वाले पे क्लिक करके ब्रश पे होल्ड करके आप लेफ्ट राइट करेंगे तो यहां साइज भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैं साइज को यहां पे इतना रख लेता हूं और फोटो को ऐसे जूम करके मैं यहां पे अपनी स्क्रीन पे ना ऐसे कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ कर लेता हूं। आप भी अच्छे तरीके से इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, आप राउंड राउंड करके करेंगे तो काफी अच्छी से यहां पे ना आपकी स्किन जो है स्मूथ हो जाएगी और ब्रश का दाग भी नहीं आएगा। एक बात और, आप ब्रश को जब भी चलाइए ना तो आप राउंड राउंड करके ही चलाइए, जिससे आपका ब्रश का दाग भी नहीं आएगा और आपका फेस काफी अच्छी से स्मूथ भी हो जाएगी। और आप ये प्रोसेस जल्दबाजी में मत कीजिएगा, आप अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम देके कीजिएगा, काफी बवाल सी आप अपनी स्किन को स्मूथ कर लेंगे। तो गाइस इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक ही फोटो को कई टोन में कैसे एडिट किया जाता है, तो इस वाले टिप्स को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। सो व्हाट्सअप गाइज, आप अपने स्किन को स्मूथ कर लेने के बाद सिंपल से आप अपनी फोटो को ऐसे रोटेट कर लीजिएगा और कर लेने के बाद इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करके शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। नीचे साइड में आप सेव क्लिक कर दीजिएगा और सेव हो जाने के बाद सीधे मैं बताता हूँ कि कैसे आप कई फोटो को कई टोन में एडिट करेंगे। सो व्हाट्सअप गाइज, ये फोटो हम लोग का गैलरी में आ चुका है और आने के बाद इसके शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग क्या करेंगे ना पिक्सार्ट ऐप में शेयर कर लेंगे। और पिक्सार्ट ऐप में शेयर हो जाने के बाद फोटो आपको सिंपल से इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करना होगा और कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप लोगों को कलर्स के आइकन पे आके और यहाँ पे कलर रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, तो कलर रिप्लेस पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको इस टाइप से एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ऐसे अपने कलर पे सिलेक्ट कर लेना होगा बैकग्राउंड पे। और कर लेने के बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कलर पे लेकर आता हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो ये फोटो हम लोग का ग्रीन टोन में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी टोन में अपनी फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।